हाल ही में 3 क्रिमिनल लॉ को सदन में पास करने की बात की गई, वहां पर गृह मंत्री जी ने चर्चा किया, जिसके बाद से तमाम जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू हो गया है। तमाम क्षेत्रों में, तमाम जगहों पर हंगामा हो रहा है। जो ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं या कोई भी अन्य जो ड्राइवर हैं, हर कोई चक्का जाम कर रहा है, सड़कों पर चलने से लोग कतरा रहे हैं। ऐसे में आखिर वह कानून क्या है, उस कानून से इन ड्राइवरों को नुकसान क्या हो सकता है, इस बात को समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट वरुण मिश्रा जी, जो फौजदारी के सीनियर अधिवक्ता हैं सुल्तानपुर दीवानी के। इन्हीं से जानेंगे कि इस पूरे कानून में ऐसा क्या है जिसकी वजह से तमाम जो ड्राइवर हैं अचानक आक्रोशित हो जाते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। इस कानून में ऐसा क्या है जिसकी वजह से तमाम जो ड्राइवर हैं वो आक्रोशित हो रहे हैं? देखिए, पहले जो इस तरह के हिट एंड रन के केस थे वो IPC की धारा 304A के अंतर्गत दर्ज किए जाते थे, जिसे गैर इरादतन हत्या कहा जाता था, और उसमें अधिकतम सजा 2 साल की थी। अब जो नया कानून भारत सरकार लेकर आई है, माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में जो बताया है, उसके हिसाब से अब अगर कोई हिट एंड रन का मामला होता है तो दोषी व्यक्ति को, अगर वो दोषी सिद्ध होता है तो उसको 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसी कानून को लेकर, इस कानून में हुए इसी परिवर्तन को लेकर मुझे लगता है ड्राइवर और तमाम यूनियन जो है वो हड़ताल पर है। सर, पहले से भी इन कानूनों में जो एक हिट एंड रन के मामले में अक्सर इस कानून को सख्त होने की बात पहले से भी लोग कर रहे थे, अब जब सरकार ने सख्त करने का कदम उठा ही लिया है तो इसमें नुकसान क्या है? क्योंकि अगर ये कानून सख्त होगा तो लोग बचेंगे, सड़कों पर थोड़ा सावधानी से चलेंगे तो दुर्घटनाएं भी कम होंगी। नहीं, देखिए, थोड़ा सा जागरूकता का अभाव है हमारे यहाँ। कानून सख्त बनाए हैं, अच्छी बात है, कानून को और सख्त बनाना चाहिए था, लेकिन जो भीड़ के द्वारा, जब जैसे मान लीजिए मुझसे कोई एक्सीडेंट होता है, मैं उदाहरण देता हूँ आपको, और मैं रुक जाता हूं और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में का प्रयास करता हूं, तो जो भीड़ इकट्ठा होती है, जो भीड़ की मानसिकता होती है, ना उसका कोई चेहरा होता है ना कोई नाम होता है, तो उस समय जो ड्राइवर के जीवन पर संकट उत्पन्न होगा, इस पर का इनकी निगाह क्यों नहीं गई या क्यों ऐसा कर दिया गया, ये थोड़ा समझ से परे है। तो मुझे लगता है कि ये इसी कारण थोड़ा सा अव्यवहारिक कानून हो गया है। कानून में संशोधन करना अच्छी बात है, कानून को सख्त बनाना भी अच्छी बात है, लेकिन बिना दोनों तरफ के नजरियों को ध्यान में रखते हुए कानून पास करना मुझे ठीक नहीं लगता। सर, जिस तरीके से लोगों में एक आशंका है कि अगर मान लीजिए ड्राइवर से किसी भूल बस दुर्घटना हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो भीड़ वहां पर आकर ड्राइवर को पीटने लगती है, ये डर ड्राइवरों में है, इस वजह से लोग हंगामा कर रहे हैं, तो क्या सर कोई दंड विधान कोई ऐसा नहीं है जिसकी वजह से कोई भीड़ अगर किसी व्यक्ति को पीट पीट कर मार देती है तो क्या दंड संहिता में ऐसी कोई बात नहीं है? नहीं, देखिए, अगर जैसे कानून लागू करना था आपको तो सिर्फ ड्राइवर पर ही छोड़ नहीं देना था, उसको गाड़ी के मालिक पर भी थोड़ा बहुत उसका असर जाना चाहिए था। इससे गाड़ी के मालिक ड्राइवरों पर जल्दी गाड़ी चलाने का दबाव नहीं बनाते, जल्दी माल पहुंचाने का दबाव नहीं बनाते, या कोई भी जल्दबाजी करने का प्रयास नहीं करता। मोटर मालिक भी ड्राइवर को दबा के रखता कि आपको धीमे चलना है, थोड़ा सा देर भले हो जाए लेकिन आपको बिल्कुल सुरक्षित पहुंचना है। मुझे लगता है ये ठीक सीधे से एकदम ड्राइवरों पर डाल दिया गया, इस वजह से लोग आक्रोशित हैं, इस वजह से लोग चक्का जाम वगैरह कर रहे हैं। सर, लोग सवाल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन अंत में मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप एक लॉयर हैं, आपको इसकी विधिवत जानकारी होगी, इसके लिए सरकार कर क्या सकती है? एक तरफ इस कानून का ड्राइवर लोग विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर इस कानून को लागू नहीं करती है तो क्राइम के क्षेत्र में निश्चित तौर पर घटनाएं सड़कों पर ज्यादा बढ़ गई, दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं, तो इसका वैकल्पिक रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, जहां तक इसके वैकल्पिक रास्ते की बात है तो मुझे लगता है कि ये जो जुर्माने की राशि है इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए था, और सजा में भी थोड़ा सा कम करना चाहिए था, और बर्डन ऑफ चांसेस थोड़ा बहुत मोटर मालिक की तरफ भी जाना चाहिए था, और भीड़ के लिए भी कोई कानून बनाना चाहिए था कि अगर भीड़ उस ड्राइवर के साथ कोई ऐसी घटना करती है तो उस भीड़ पर भी लोगों में इसकी जागरूकता ज्यादा से ज्यादा फैलानी चाहिए थी। इतना सब सरकार कर रही है तो कोई बुराई नहीं है, कानून लागू करना चाहिए। सर, हम आप भी तो ड्राइवर हैं, हम आप भी अपनी निजी गाड़ियों को चलाते हैं, कानून तो हमारे आपके लिए भी लागू होता है, तो जिस तरीके से चक्का जाम कर दिए, तमाम जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, मंडियों में सब्जी नहीं पहुंच पा रही है, तमाम जो सामान है ट्रांसपोर्ट के जरिए जो पहुंचते थे वो नहीं पहुंच पा रहे, जिसकी वजह से आम पब्लिक को भी समस्या हो रही, तो कहां तक ये जायज है, क्या इसका कोई रास्ता और नहीं हो सकता? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना ठीक है, इस तरह की हड़ताल के पक्ष में मैं भी नहीं रहता हूँ। सरकार को चाहिए कि इस पर तुरंत उनके एसोसिएशन से बात करे, लोगों से बात करे, उनको इस कानून की बारीकियां समझाए और कहे कि जो आने वाले समय में अगर कोई जरूरी संशोधन होगा तो हम वो भी करेंगे। सरकार को आगे बढ़कर इस बात को अपने पक्ष में लेनी चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए, अपनी बात से लोगों को अवगत कराना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी। चक्का जाम के आज लगभग 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आ पाई है, क्या कहना चाहेंगे? ये इस देश का दुर्भाग्य है, लगभग
72 घंटे होने को हैं और कोई मंत्री कोई संतरी किसी नेता का बयान ना आना बहुत दुखद है, इस दिशा में प्रयास न करना बहुत दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए, उत्तर प्रदेश के माननीय गृह मंत्री जी को बोलना चाहिए इस पर आगे आकर, और तमाम जो देश के जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को इस पर आगे आना चाहिए, आगे बढ़कर इस बात को लेना चाहिए। जनपद में तमाम RTO ARTO सरकार के अंग होते हैं, उनको कार्यशालाएं लगानी चाहिए, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए और ये भी कहना चाहिए आने वाले समय में कानून में तरह तरह के संशोधनों के लिए संतुष्ट भी करना चाहिए उनको, निश्चित रूप से एक उनको निश्चिंत करना चाहिए कि आने वाले समय में जो भी इस कानून में अमेंडमेंट की आवश्यकता होगी हम करेंगे। एक दबाव बनाकर थोप देना दूसरी बात है, विश्वास में लेकर कानून बनाना वो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर, बात बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय के फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण मिश्रा जी। फिलहाल अब आगे क्या कुछ होता है इस पूरे प्राविधान में, क्या सरकार कुछ बदलाव करेगी या फिर ये जैसे जो स्थिति बनी है आखिर ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, क्या इसी सरकार इस पर कब तक संज्ञान लेगी, तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार लोगों के मन में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है।